सादर नमस्कार साथियों, आपका चीर परिचित दोस्त डॉक्टर एसबी तिवारी हाजिर है आपकी एक बहुत ही बड़ी समस्या का समाधान लेकर के। साथियों, क्या आप भी गलती से संगत में पड़ के या किसी भी तरह से नशे के शिकार तो नहीं हो गए? आपको नशे की आदत तो नहीं लग गई? आपको एल्कोहल या ऐसे ही किसी तरह बड़े नशे की एडिक्शन तो नहीं हो गया? आप चाहते हैं कि उसे मैं छोड़ दूं, लेकिन आप छोड़ नहीं पाते। जैसे ही छोड़ते हैं, आपके शरीर में ढीलापन, सुस्ती, कमजोरी और हाथ कांपना और शरीर में चक्कर आना और तमाम तरह की समस्याएं आने लगती हैं, जिसके वजह से आप फिर पीने लगते हैं, फिर नशा करने लगते हैं, यानी कि आपको नशे की आदत लग गई, आप एडिक्ट हो गए। साथियों, मैं आज आपकी इस समस्या का ऐसा समाधान करूंगा कि आप भी याद करेंगे कि वाकई डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया और मैं लिया, अब तो मेरा मन ही नहीं करता कि मैं पीऊं। आज ऐसा आप कहेंगे। जी हां साथियों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की ईस्टर कुलिया की। जी हां साथियों, वही ईस्टर कुलिया जिसे कोला नट भी कहते हैं। जी हां साथियों, प्लांट किंगडम की ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके अंदर कैफीन पाया जाता है। और आपको पता ही होगा कि कैफीन के अंदर स्टिमुलेटिंग पावर होता है और वो स्टिमुलेटिंग पावर क्या करती है, हमारे बॉडी को तरह तरह की स्टिमुलेट करती है, ऊर्जा देती है। ऐसा इसे नर्व टॉनिक के तौर पर भी लिया जा सकता है। तो निश्चित सी बात है कि अगर हम नर्व हमारा कमजोर है, भाई हम दारू पियेंगे, नशा करेंगे, तो मेंटली हम कमजोर हो जाते हैं। जैसे भाई वो एल्कोहल हमारा क्या करता है, वो स्टिमुलेंट का काम करता है। जब आप एल्कोहल नहीं लेते हो तो बॉडी आपकी ढीली पड़ जाती है। तो उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे साथियों, ये आप ईस्टर कुलिया आप ले सकते हैं। जी हां साथियों, यानी कि नर्वाइन टॉनिक के तौर पे ईस्टर कुलिया बहुत ही अच्छी दवा। अभी नर्वाइन टॉनिक आपके हर तरह के काम करती है, आपके फिजिकल वीकनेस है तो, आपका मेंटल वीकनेस है तो, यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो है बहुत कमजोर महसूस करता हूं, किसी काम को करने में बहुत जो है थकान लगती है, बहुत कमजोरी लगती है और आपको जो है किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, तो आप जो है इस दवा को ले सकते हैं। और साथियों, ये दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। डायूरेटिक के तौर पर भी इसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे यूरिन आपको नहीं हो रहा, आप जो है बहुत परेशान हैं और आपके शरीर में जैसे लगता है सूजन हो गई और यूरिन सही से पास नहीं हो रहा है, तो आप डायूरेटिक के तौर पर भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ साथियों, ये बहुत ही अच्छी दवा है कि ऐसे कंडीशन में जब आप बहुत ही कमजोर महसूस कर रहे हैं और आप कुछ खा पी ले रहे हैं, इसके बावजूद भी आपके शरीर में ऐसा महसूस हो रहा है कि ऊर्जा नहीं आ रही है, मेरी थकान दूर नहीं हो रही, यानी कि ये क्या करती है कि गिव पावर, आपको पावर देती है। क्या करती है? टू इंड्योर प्रोलॉन्ग फिजिकल एग्जर्शन विदाउट टेकिंग फूड एंड विदाउट फीलिंग फटिग। यानी कि आपको इस दवा लेने के बाद जैसे ऐसा लगेगा कि हम अगर बिना खाए पिए ही ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं और मैं थक नहीं रहा हूं, मेरी ऊर्जा मेंटेन रह रही है। तो साथियों, ईस्टर कुलेरिया को आप बहुत हल्के मत लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी दवा है। अब आते हैं हम इसके डोज पे। साथियों, कहा जाता है विदाउट नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोजिंग यू डज नॉट गेट प्रॉपर रिस्पॉन्स ऑफ एनी मोस्टली होम्योपैथिक मेडिसिन, सो डोज इज द प्रीवियस एंड फर्स्ट नॉलेज एंड कॉन्शियस अबाउट एनी मेडिसिन। तो आपको क्या करना है कि इस मेडिसिन का डोज कैसे लेना है। साथियों, ये चूंकि एक्यूट इमरजेंसी में बहुत अच्छा वर्क करती है। जैसे कि आपको बहुत वीकनेस लग रही है, आप मेंटली थक गए हैं, बहुत आपको थकान लग रही है, तो आप क्या करेंगे कि इसके मदर टिंचर को आप जो है जल्दी जल्दी लेंगे। अब जैसे कि आपको यूरिन कराना है, डायूरेटिक के तौर पर इसको यूज करना है, तो मदर टिंचर आप 15-15 बूंद आधे कप पानी में जल्दी जल्दी पी लीजिए, आपको
यूरिन हो जाएगा। कभी कभी आपको लगता है कि आपके कार्डियक रिदम जो है रेगुलेट नहीं हो रहा है, सही से सांस नहीं आ रही है, सही से आप जो है हार्ट को अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी इस दवा को थोड़ा जल्दी जल्दी आप ले लीजिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका हार्ट बहुत ही वीक है, आप चल नहीं पाते, सांस फूलती है, ऐसे कंडीशन में भी इस दवा को आप जल्दी जल्दी लीजिए। हाँ ये है कि अगर आपको ये समस्या पुरानी है तो इस दवा को कुछ दिन तक आपको लेना है। हाँ साथियों, बेस्ट इसका वर्क है मदर टिंचर में ही है, इसलिए इसका क्यों ही आप लोग ज्यादा प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको एक बहुत ही अच्छी नर्व टॉनिक मिल गई जो आपको शराब भी छुड़ा रही है, आपको ताकत भी दे रही है, आपको ऊर्जा भी दे रही है और किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं छोड़ रही है। तो ये है साथियों होम्योपैथी। साथियों, आज की जानकारी आपको कैसा लगा? अगर मेरी इस दवा से किसी भाई का एल्कोहल छूट जाए, नशा छूट जाए, तो साथियों ऐसा लगेगा कि आज की मेरी मेहनत सफल हो गई। अगर कोई भाई दुर्भाग्य से नशे के चपेट में होगा, मेरी वीडियो को देख रहा होगा, तो जरूर इस दवा को यूज करेगा। अगर यूज करने के बाद उसे किसी तरह की दिक्कत आती है, उसको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर रिस्पॉन्स, ऐसे में आप फोन करना, मैं आपकी सहायता करूंगा, आपका पूरा सहयोग करूंगा। और साथियों, आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां अगर भविष्य में भी देखना चाहते हैं तो आप बस चैनल को सभी सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिए। सबसे अलग अंदाज, सबसे अलग तरीके से आपको नॉलेज देता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। साथियों, अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं पुनः आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मंगलमय रहिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।